अगर आपको बकरीद में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट अगर इलीगल आपको लग रहा है, पुलिस को इलीगल है, कोई हिंदू जो गो माफिया की बात सुनकर आप चीज नहीं करना है, जो जानवर लेकर आ रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना है कि ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये जो एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट इनके पास है क्या नहीं है, वो देख के उन्हीं के हिसाब से कंप्लेंट करना आप। अगर इलीगल है तो अरेस्ट करो। जो इंस्पेक्टर अरेस्ट किए जो यूनिवर्सिटी का, ये बीजेपी कुछ लीडर को साथ में रखकर ये वो धंधा कर रहा था, वो ख्याल कर रहा था, वो माफी के साथ मिलकर ये बहुत सारे हजारों गाइस यहाँ से गायब किए उसने। इमीडिएट उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल होना, उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल भेज के उनके ऊपर एनक्वायरी करना बोलते हमने। अभी डीसीपी को अपने नहीं, ये लोग अभी बीजेपी के मूड से बाहर नहीं, यहाँ की पुलिस, ये लोग यहाँ की जो गुलबर्ग पुलिस जो बीजेपी के दलाली किए थे, ये लोग जो संघ परिवार के दलाली किए थे, ये लोग गुलबर्ग पुलिस, ये संघ परिवार की चड्डी पहन कर घूम रहे थे ये लोग, जो पुलिस ड्रेस में जो संघ परिवार जो संगीर जो घुसे उनको संगीर से बाहर नहीं आए थे ये लोग गुलबर्ग पुलिस। ऐसे गद्दार लोगों को किसी हाल में नहीं छोड़ना। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. दलित सेना की तरफ से आज हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन काउ स्लाटर के नाम से, काउ स्लाटर एक्ट के नाम से, जो गुलबर्गा में गो जिहादी गो माफी का जो काम चल रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को लेकर जो हिंदू संगठन के नाम से गो पकड़ना, गौशालों को भेज देना, जो दलित एंड मुसलमान के जो भी फार्मर्स है उनके खेत में घर में घुसकर गाय जो उसका बछड़ा जो भी है उनको उठा कर लेकर जाके गौशाले में डालना। जय टीपू सुल्तान। दलित सेना की तरफ से आज हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन काउ स्लाटर के नाम से, काउ स्लाटर एक्ट के नाम से, जो गुलबर्गा में गो जिहादी गो माफी का जो काम चल रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को लेकर जो हिंदू संगठन के नाम से गो पकड़ना, गौशालों को भेज देना, जो दलित एंड मुसलमान के जो भी फार्मर्स है उनके खेत में घर में घुसकर गाय जो उसका बछड़ा जो भी है उनको उठा कर लेकर जाके गौशाले में डालना, गौशाले से दे पुलिस एंड गौशाले वाले और ये कसाई खाने वाले सब मिलकर ये एंड विथ इनके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस डॉक्टर्स मिलकर ये गो को वहाँ से गौशाले से गायब कर रहे हैं वो लोग, हैदराबाद सप्लाई करके वहाँ से आउट ऑफ कंट्री को गो माता की मांस जो सेल कर रहे हैं। ये जो हमने लास्ट ईयर 2022 को ये क्राइम नंबर 150/2022 में यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर होता कि मोहम्मद जावेद, ये जो मोहम्मद जावेद है ये फार्मर है, ये इनका खेत में घुसकर यूनिवर्सिटी पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मुरगुंडी एंड उनके टीम जाके ये तो जो खेत में जो खेत चारने के लिए और गाय दूध के लिए जो ये पाल रहे थे उसका तुमने काटने के लिए बकरीद के लिए काटने के लिए लेकर आए बोल के इनका इल्लीगली उनके खेत में घुसकर जो इंस्पेक्टर और उनके टीम जो इनका कैटल्स लेकर जाके रेवण सिद्धेश्वर रेवगी काली तालुका के जो रेवण सिद्धेश्वर देवस्थान की जो को गौशाला है वहाँ जमा कर देते हैं। तो हमने वो जो इनका काउ जो है इनका एनिमल्स रिलीज के लिए 7-8 महीना एसी कचहरी में हमने केस चलाते हैं। दो एसी कचहरी में रिजेक्ट होने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दो अपील करते हैं कि उस चैलेंज के खिलाफ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लास्ट 2 मई को ऑर्डर करता है कि इनका जो जितना भी 25-26 जानवर गांव है वो गो माता को इनके हैंड ओवर करो बोल के ऑर्डर करने के बाद हमने इंस्पेक्टर यूनिवर्सिटी को जाके कोर्ट का ऑर्डर कापी दे देते हैं। वो इंस्पेक्टर एंड पूरा टीम हम जाके इनके साथ जाते उधर, तो वहाँ जाने तक गौशाला में इनका जानवर नहीं है,
हमने पूछा कि इंस्पेक्टर को, भाई आपने यहाँ दिए बोल रहे हैं गौशाला वाले, यहाँ आई इनका जानवर नहीं है, तो जानवर कहाँ गया, किसने भेज दिया? अगर वो कुछ वहाँ की जो कर्मचारी है वहाँ कर काम करने वाला, वो बोले कि इनका 20 जानवर मरे बोल के, तो 20 जानवर मरे, अगर मरे तो वो कहाँ घाटे उनको, और वो पंचनाम तो होना चाहिए उसका, डेथ रिपोर्ट तो आना चाहिए उसका, पंचनाम रिपोर्ट तो फोटो के साथ कोर्ट को सबमिट करना चाहिए, जो रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं किया आपने? अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो आपने डायरेक्टली ये जो इंस्पेक्टर है, ये जो RSS का है, ये जो इंस्पेक्टर है बीजेपी के मूड से अभी भी बाहर नहीं आए, ये जो इंस्पेक्टर है RSS, ये जो यूनिवर्सिटी का, ये बीजेपी कुछ लीडर को साथ में रखकर ये गो धंधा कर रहा था, गो जिहाद कर रहा था, गो माफी के साथ मिलकर ये बहुत सारे हजारों गाइज यहाँ से गायब किए उसने। इसीलिए हमने आज, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात किया, मैंने DCP से बात किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बात किया और सबको बोला देखो ये इंस्पेक्टर के ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए। और वो इंस्पेक्टर भागने के चक्कर में अभी उनका जो बोलते जोला गेला सब बांध कर बैठे अभी, और किसी हाल में यहाँ से भागने के चक्कर में, ट्रांसफर होने के चक्कर में हो, हमने बोल रहे कि यहाँ कमिश्नर बोले कि DCP बोले किसी हाल में उनको यहाँ से ट्रांसफर नहीं होना, इमिडिएट उनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल होना, उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल भेज के उनके ऊपर एनक्वायरी करना बोल के हमने अभी DCP को अपने कमिश्नर बोले हमने। और ये होने के बाद, और ये जो जितना भी हजारों जो गौशाला में गुलबर्ग में जो 8 गौशाला है, 8 गौशाला से बहुत सारे जानवर गायब हो गया, चोरी हो गया बोल के फॉल्स कंप्लेंट किया, वो कहाँ गए हैं? उनका जो पुलिस कमिश्नर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट AC हमें बताना और लोगों को बताना बोल के हम आके हजारों लोगों आके हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेराव डालकर मेमोरेंडम देकर आए हैं। हमने वार्न भी किए उन लोगों को, वार्न भी किए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए बोल के। जो DCP हमें आश्वासन दे कि हमने एक्शन शुरू हो गया हमारा, हम आपको बोल देंगे उनका। तो इसी के साथ साथ अगर ये लोग विद इन वीक में जो हमारा जावेद का जो 26 जानवर वो नहीं देता, और खलील कुरैशी का जो 96 जानवर जो गायब है वो नहीं देता, और वही खलील कुरैशी का और 2 जानवर लेकर के वो नहीं देता, और बहुत सारे फरताबाद पुलिस स्टेशन में हो गया, आरजी नगर पुलिस स्टेशन में केस रेट वगैरह, ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस रेट वगैरह, सब रिकॉर्ड हमारे पास है उसके, वो जानवर के क्या हो गया बोल के अगर नहीं ये करते तो हम जो इंचार्ज मिलिट्री प्रियंका खड़गे साहब को हमने फिर दलित सेना की पूरा टीम ये पुलिस के खिलाफ उनको घेराव डाल के मेमोरेंडम देने वाले हैं। सर बकरीद को लेकर कौन स्लॉटर एक्ट के तहत क्या गाय काटने पे पाबंदी लगाई जाएगी? नहीं, गाय काटने में पाबंदी की बात नहीं है इधर। अगर आपको बकरीद में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट अगर इलीगल आपको लग रहा है, पुलिस को इलीगल है, कोई हिंदू जो गो माफिया की बात सुनकर आपको उनको सीज नहीं करना है, ये जो गांव का जो जानवर लेकर आ रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना है कि ये कहां से लेकर आ रहे हैं, इनके पास रिसिप्ट है क्या नहीं है, जो कौन सा मंडल से लेकर, पंचायत से लेकर आए, वो पंचायती जो उनको ये जो परमिशन दिया है क्या नहीं दिया है, ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट का परमिशन ये लिया क्या नहीं लिया, ये जो एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट इनके पास है क्या नहीं है, वो दे के उन्हीं के हिसाब से कंप्लेंट करना। आप अगर इलीगल है तो अरेस्ट करो, इलीगल है तो जो उनके ऊपर केस करो, वो सीज करो। लेकिन इसमें इनका 26 गाय आप सीज करते हैं जो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, खेत में बांधे वो जानवर को लेकर आके इलीगल एंट्री होते वो इंस्पेक्टर। इतना लेट क्यों लग रहा है जब 25 गाय जावी साहब के वही हमें वंडर हो गया। कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 जो लास्ट मंथ 2023 कोर्ट ऑर्डर करता, दो एक महीने के बाद डेढ़ महीने हो गया, अब 2 महीने हो रहा, अभी 2 महीने होने के बाद भी यह पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं रहता, यानी ये लोग अभी बीजेपी के मूड से बाहर नहीं है। यहाँ की पुलिस, ये लोग यहाँ की जो पुलिस गुलबर्ग पुलिस जो बीजेपी के दलाली किए थे, ये लोग जो संघ परिवार के दलाली किए थे, ये लोग गुलबर्ग पुलिस ये संघ परिवार की चड्डी पहनकर घूम रहे थे, ये लोग जो संघ परिवार की जो संघ परिवार जो कर रहे थे वो संघ परिवार के वेश में जो पुलिस ड्रेस में जो संघ परिवार जो संगीर जो घुसे उनको संगीत से बाहर नहीं आए ये लोग गुलबर्ग पुलिस। ऐसा गद्दार लोगों को किसी हाल में नहीं छोड़ना, हमने यही बोलने के लिए आए। हमने ये बोल दिया कि भाई ये जो तुम्हारी सरकार है ना गद्दार सरकार, वो गद्दार सरकार गया कब गया बाहर से, वो भाग गया, अभी नया सरकार है, नए सरकार में तुम काम कर रहे हो, ये थोड़ा आ जाओ तुम बीजेपी के मूड से बाहर आओ बोल के हमने
ये डीसीपी के एंड यहाँ गद्दार जो इंस्पेक्टर लोग है जो मुसलमान दलित के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको वार्निंग करने के लिए आए हैं। हमने जो हमने जो डीसी को बोलना था हमने बोल दिया, वो जो एक्शन लेता या नहीं लेता ये कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार क्या स्टेप लेता हम आगे देखेंगे। हम देखे फिर हमारा जो रास्ता तो खुला है, हम तो कोई माइकल पकड़ नहीं सकता। और क्राइम नंबर 123 बार, क्राइम नंबर 129 बार 2023 इतना होने के बावजूद भी कालगी पुलिस स्टेशन में कल परसों एक केस रजिस्टर होता, फिर गद्दार लोग फिर एक गौशालों के भेज देते उधर। ये सो ऐसा चोरी छुपा के लोग जो कर रहे हैं ना, इंसाफी कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारे लड़ाई जारी है, हम लड़ेंगे। और दलित और मुस्लिम जितना भी जो ओबीसी जो फार्मर्स है जो रईत है उनके रक्षा के लिए दलित सेना कभी भी कटिबद्ध है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। धन्यवाद आयुक्त लेटर बरत 2016-7-2021 ನೋಡಿ ಸರ್, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಶಾಲೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಊರಿ ದಿನಾಂಕ 16-7-2021 ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಕಳುಗಳು ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಂತ ಇದ್ರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗನ್ಸಂಡ್ ಯಾರು ತಕ್ಷಣ ಎ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಧಿಕೃತ 8 ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ 8 ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕಳಿಸ್ತಾವೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರ ಹತ್ರ ಗೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಇವ್ರು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು 5 ದನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಕಳುಗಳು ಅವು ಭಾಳ ಭಾಳ ಕಾರ್ ಕಣ್ಣು ಸರ್, ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತು, ಒಂದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಅಂತ ಸತ್ತಂಚನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೊಸ ವೈದ್ಯರು ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ತೊಗೋಬೇಕು, ಓಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆತ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಸರ್, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗರೀಬರಿಗೆ ಹೆರಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ ಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಮಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್, ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ದು ಗೋಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನವಿ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಸರ್. This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College, for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road.